इसी तरह हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी यही चीज कर सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हैं. लेट्स से यू आर हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड यू ऑलवेज डू व्हाट योर फ्रेंड्स वांट यू टू डू बिकॉज यू वांट टू प्लीज देम. शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होती हैं, आप हर वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है. अल्टीमेटली यू स्टार्ट फीलिंग बैड इनसाइड बिकॉज आपको लगता है कि इट इज ऑलवेज अबाउट देम. आई एम डूइंग सो मच फॉर देम, आई टॉक टू देम अबाउट एवरीथिंग, मैं उनके लिए सारे काम करती हूं, लेकिन आपके अंदर वो करेज नहीं होती उनको बताने की. सो दिस विल बी लूज विन रिलेशनशिप. अच्छा, कभी कभी विन लूज हो जाता है. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब हर दफा अपनी मर्जी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और उनकी फिर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं. कभी कोई खुश है, कभी कोई खुश नहीं है, कभी कहते नहीं बस ऐसे ही काम करना है, और बाकी फ्रेंड जो है वो फिर मतलब लाइक रिलेशनशिप जो है वो अच्छे लेवल पे नहीं होते उस वक्त. और लूज लूज में क्या है कि यू ऑलवेज पिक ऑन ईच अदर एंड यू नेवर गेट अलॉन्ग. यानी थोड़ी सी देर के लिए आपको लगता है कि अच्छा हम अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो रिलेशनशिप जो होता है वो खराब और खत्म होना शुरू हो जाता है. यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप बिकॉज एज आई सेड दे आर टू डिटरमिंड स्टबर्न ईगो इन्वेस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. वो दोनों विंडिक्टिव हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं जो मैं चाह रहा हूं वही होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है. तो फ्रेंड्स के साथ भी विन विन का रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन एंड एवरी वन शुड फील गुड अबाउट देम सेल्फ. लाइक लेट्स से समटाइम्स वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स बट दे माइट बी इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज विच आर नॉट हलाल. अजान की आवाज आ रही है, वो नमाज नहीं पढ़ रहे, और आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा. आप उनको चॉइस दे सकते हैं कि अच्छा चलो हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर ये एक्टिविटी करेंगे. इससे उनको लगता है कि ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए हम म्यूजिक बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम नमाज पढ़ लेते हैं अपनी फ्रेंड के साथ. अच्छा चलो हम इसके सामने ये वाली एक्टिविटी नहीं करते बिकॉज शी डजेंट लाइक दिस और शी डजेंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटी लाइक दैट. और उसके साथ साथ जो फन एक्टिविटीज अदरवाइज होती है लाइक ऑल गर्ल्स एक्टिविटीज आप लोग मिलकर कर लेते हैं. सो इसमें ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है, जब हम विन विन रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं देयर इज अबंडेंट मेंटालिटी. लाइक यू डोंट हैव टू क्विट पीपल, यू डोंट हैव टू क्विट ऑन हलाल रिलेशनशिप्स विच आर देयर इन योर लाइफ. कि आप अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दें, आप अपने बहन भाइयों से बात ना करें. आपको पता है लोग फॉर लाइफ ऐसे काम करते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं 40s में 50s में, और बिकॉज उन्होंने इन रिलेशनशिप्स को नहीं पढ़ा होता वो उनको विन विन पे नहीं ला सकते. वो आपस में किसी ना किसी बात पे लड़ते रहते हैं और मिलते ही नहीं है एक रिस्पेक्टेबल तरीके से एक दूसरे से. ये काम जो भी अपने मामलात होते हैं वो नहीं कर सकते. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे करें. तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें. यू नीड टू अंडरस्टैंड टू हैव द कंसिडरेशन एंड करेज. करेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम करेज में आकर इस तरह से किसी से भी बात करें कि दूसरा इंसान हर्ट हो जाए. जब हम विन विन रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे तो फिर दूसरा इंसान भी उसको विन विन बनाने की कोशिश करेगा. अगर वो लूज कर रहा है, अगर वो ब्लंटली कोई बात कह रहा है, तो हम उसको दोबारा विन विन की तरफ ला सकते हैं. सो दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड जिसके बारे में पढ़ना चाहिए. अबंडेंट मेंटेलिटी के साथ पढ़ें. रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन्ड एट अ वेरी गुड लेवल. हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं. तो विन विन क्या होता है? विन विन रिलेशनशिप होता है जिसमें वी एग्री टू डिसएग्री एग्रीबली. सहाबा में ऐसा रिलेशनशिप होता था, दे वुड डिसएग्री ऑन थिंग्स बट दे वुड नॉट गेट ओवरली अपसेट. कुछ लोगों को मैंने देखा है वट एवर दे लाइक, कोई अगर वो नहीं काम करता तो इतने वो अपसेट हो जाते हैं वो फिर किसी से बात नहीं करते हैं, वो अपना मूड खराब करके बैठ जाते हैं. विन विन में क्या होता है कि यू कैन से कि ठीक है यू होल्ड ऑन टू दिस ओपिनियन अबाउट एनी थिंग, इट वुड बी एनी एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड. मैं इससे एग्री नहीं करती बट इट्स ओके, आपका ये ओपिनियन हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन हो सकता है. आप आपस में एक दूसरे के साथ एक हेल्दी तरीके से बातचीत कर सकते हैं. इसी तरह नो एक्सपेक्टेशन हैव बीन क्रिएटेड. आप ये नहीं सोचते कि मैंने क्योंकि बहुत कंसिडरेशन के साथ, बहुत अच्छी करेज के साथ किसी से बात की है, अब मेरी बात मान ली जाएगी. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ विन विन रिलेशनशिप बट अदर पर्सन डज नॉट कंप्लाई, डज नॉट वॉन्ट टू डू द थिंग द वे यू वॉन्ट देम टू डू. लेकिन आप विन विन में क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बैलेंस लाते हैं इन ट्राइंग टू अप्रोच द चैलेंज. यू फील लिबरेटेड एज नो नीड टू मैनिपुलेट एनी वन. आपको किसी को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता इसमें.
आप आराम से बहुत अच्छे अंदाज में आई लैंग्वेज यूज करते हुए अपनी बात करते हैं। आई लैंग्वेज क्या होती है? आई वॉन्ट टू विन एंड आई वॉन्ट यू टू विन, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, दिस इज वट आई एम डूइंग एंड दिस इज वट यू नो मे बी यू कैन डू, और यू कैन टेल मी हाउ यू वुड बी एबल टू फेसिलिटेट मी, या ये कि हाउ डू यू सी दिस चैलेंज, हाउ डू यू सी दैट वी कैन टॉक अबाउट इट। सो ये वो रिलेशनशिप होता है विन विन का, जिससे इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी खैर लेकर आता है। सो व्हाट शुड बी द फोकस फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप? कैसे हम इफेक्टिव रिलेशनशिप्स ला सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है कि आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी क्या होती है? यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ एंड यू ऑल्सो नीड टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। व्हाट यू से, व्हाट यू एक्ट आउट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इफ इन अ रिलेशनशिप देर इज नो इंटेग्रिटी, देर इज नो ऑनेस्टी, that relationship is not going to be fine. आप देखिए ना, let's talk about a friend of yours. आप उसको कहते हैं you are my best buddy, but then you are sitting with someone else around. जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं. There is no integrity. You hug your parents for letting you do something that you want to do. और आपने उनको कहा I love you. लेकिन अगर उन्होंने आपको किसी चीज की परमिशन ना दी फॉर समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दे सी इट दैट वे दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू स्टार्ट हेटिंग देम इनसाइड एंड यू जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी डूइंग थिंग्स फॉर देम, देयर इज नो इंटेग्रिटी इन दैट रिलेशनशिप, और वो फिर रिलेशनशिप इफेक्टिव नहीं होता। बिकॉज जब हम ऐसा फील करते हैं ना, तो एक तो हम वो करेज और कंसिडरेशन को सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दूसरा क्या होता है हमारा जो वो रिलेशनशिप है ना, उसके अंदर ना वो बॉडी लैंग्वेज में और हमारे रिलेशनशिप में ब्रीच आता जाता है। सो पहला पॉइंट जो यहां पे इंटेग्रिटी का है, दैट इज अबाउट योर ओन अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन माय रिलेशनशिप विद अल्लाह सुभान व तआला। लेकिन सबसे पहले तो मैंने रिलेशनशिप की बात की थी ना अल्लाह ताला से, ठीक है? अल्लाह ताला को हम कैसे चीट करते हैं? जब हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कहते हैं मैं अल्लाह को मानती हूं लेकिन मैं अल्लाह के आगे झुक नहीं रही, क्योंकि अल्लाह तो कहता है मुझसे मुलाकात तो करो 5 दफा दिन में, लेकिन हम वो कर ही नहीं रहे, तो ये चीटिंग हो जाती है ना उस रिलेशनशिप में। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशनशिप में क्या चीटिंग हो सकती है, जहां इंटेग्रिटी ना हो। हम सुन्ना वे ऑफ लाइफ को ना फॉलो करें, हम सुन्नतों का मजाक उड़ाएं। फिर पेरेंट्स के साथ क्या चीटिंग हो सकती है कि वी टेल देम टू ट्रस्ट अस, हम उनको धोखा दे रहे हो, कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो। अच्छा, बहन भाइयों के साथ कैसे हमारी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जब हम उनको रिस्पेक्ट ना दे रहे हो, उनको वैल्यू ना दे रहे हो, उनसे ज्यादा हम प्रेफरेंस अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो। फ्रेंड्स सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन डूइंग समथिंग फॉर आवर फ्रेंड्स एंड डूइंग समथिंग फॉर आवर सिबलिंग्स, तो इंटेग्रिटी हमारी, सेल्फ अवेयरनेस हमारा ये हमें बताए कि माई सिबलिंग्स हैव मोर राइट ओवर मी। अनलेस देर इज समथिंग, कोई ऐसी बात है या ऐसा कोई सिचुएशन है वेयर मे बी योर फ्रेंड नीड्स यू मोर, और वी कैन ऑलवेज देन शेयर विद आवर फैमिली कि इस वक्त मुझे लगता है कि दैट्स द नीड। अच्छा, इंटेग्रिटी के बाद एक हायर लेवल और आता है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को इफेक्टिव बनाते हैं, दैट इज योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है? वेन यू हैव द राइट बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन। अगर आपके अंदर बहुत करेज है, आप कहते हैं मैं तो सुना दूंगी इसको, यू नो आई कैन जस्ट स्पीक इट आउट इन फ्रंट ऑफ हर, आई कैन शाउट एट समवन, सारी बात सुना के फारिग हो जाऊंगी, दैट इज करेज। अगर इतनी करेज है कि आप किसी इंसान को ब्रूटली हर्ट कर रहे हैं, देर इज नो मेच्योरिटी। दैट मीन्स यू डोंट हैव द मेच्योरिटी टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट मेच्योरिटी जहां पे आपको पता हो कि मुझे करेज भी चाहिए, मुझे कंसिडरेशन भी चाहिए। और फिर थर्ड, जो मैंने आपको पहले भी बताई, अबंडेंट मेंटेलिटी। There is plenty for everyone. मुझे कभी भी किसी relationship में ये नहीं सोचना, like you know, every relationship has its own place. जैसे parents की अपनी जगह है, बहन भाइयों की अपनी जगह है, friends की अपनी जगह है, cousins की अपनी जगह है। जैसे बच्चे बहुत करते हैं ना कि parents से बार बार पूछते हैं कि आपका favorite बच्चा कौन है, ये abundant mentality वाला parent, उसको पता है कि हर बच्चे की अपनी space है, अपनी value है, अपना एक relationship है। हर बच्चे के साथ parent का अपना एक dynamic होता है, और उसको आप उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। बेसिकली वी नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप, एंड यू नो रमजान इज वन मंथ जिसमें हमें ये बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। जैसे लोग अपने पैसे सेव करते हैं ना, पैसों का तो ये आसानी है कि हमने कहीं पे दिए, इन्वेस्ट किए, तो वो पड़े रहेंगे जब तक हम उधर उसको निकालते नहीं।
लेकिन रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम डेली डिपॉजिट्स नहीं करते, हमारा ये रिलेशनशिप जो होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है. सो किसी भी हलाल रिलेशनशिप में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब डिपॉजिट्स आप देखें क्या क्या नजर आ रहा है. अंडरस्टैंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू देम. लाइक आप उस रिलेशनशिप में ये करते हैं कि आप वो काम करते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप नोट कीजिएगा अपने घर में आपके पेरेंट्स ये अक्सर कर रहे होते हैं. दे वुड कुक समटाइम थिंग्स दैट यू लाइक और दे वुड टेक यू आउट टू दोज प्लेसेस वे यू वॉन्ट टू गो. ग्रॉसरी करेंगे तो कोई आपकी पसंद की चीज ले आएंगे. आप अगर उनको बहुत एटीट्यूड भी दें, वो कोई ना कोई डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी पसंद की चीज करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स देम हैप्पीनेस. बिकॉज वो अल्लाह ताला ने उनको नेचुरली एक ये दिया होता है कि कुछ ना कुछ डिपॉजिट करो. लेकिन बच्चों के लिए काम कई दफा मुश्किल होता है, बिकॉज उनको लगता है कि वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन नॉट डू इट दैट वे. बाकी रिलेशनशिप में फ्रेंड्स के साथ भी देखें, जिसके साथ आपकी वो अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि वट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. बहन भाइयों में भी अगर आपको जिस दिन ये समझ आ गई ना व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर माय ब्रदर और माय सिस्टर, और आप वो उनके लिए करना शुरू कर दें. जैसे अगर किसी को सफाई का शौक है और आप यू वांट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद देम, तो आप उनके साथ अगर कोई जगह स्पेस शेयर कर रहे हैं तो आप भी सफाई कर दें. कोई चीज आप ऐसी खा रहे हैं जो उनको भी पसंद है और आप उनके साथ शेयर कर लें. यू नो दिस डिपॉजिट्स दैट रिलेशनशिप. हम तो अक्सर ये कहते हैं ना, अच्छा तुमने लास्ट टाइम मेरे से नहीं शेयर किया था. तो वो क्या होता है, वो विड्रॉ कर देता है, वो आपके रिलेशनशिप को खत्म करना शुरू कर देता है. इसी तरह टेलिंग द ट्रुथ, इंटेग्रिटी की भी बात हमने की, जितना आप सच्चे होते हैं आपके रिलेशनशिप में डिपॉजिट्स जाते हैं. इसी तरह सेंस द नीड एंड डू इट. यू शुड नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू टेल यू टू डू एवरीथिंग. कभी कभार अगर कोई सिर्फ सेंस कर लेता है, कभी हुआ आपके साथ ऐसे, योर फ्रेंड और योर ब्रदर सिस्टर और योर पेरेंट एनीवन और योर फैमिली मेंबर, योर कजन और योर आंट और अंकल, they brought in a gift that you really wanted, or they just randomly got something and you were like, oh, I really wanted to have it. Aur us waqt aapko itna pyar aata hai us relationship pe ke they did this for me, maine to pucha bhi nahi tha, maine to bataya bhi nahi tha. So that is a deposit. For maintaining the relationship hame koi badi badi planning nahi karni hoti, hame chote chote kaam karne hote hain. Choti choti caring ki cheeze hoti hain, kisi ke sath apne behan bhaiyon ko hug karna, उनसे सलाम करना, उनको वेलकम करना, पेरेंट्स को जाके हग करना, फ्रेंड्स को आपने अगर अच्छी तरह से ग्रीट किया, कजन्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, उनके लिए हम छोटे छोटे काम करते हैं, दैट एड्स ऑन टू द ब्यूटी ऑफ दैट रिलेशनशिप. इसी तरह अगर हमें कोई चीज बॉदर कर रही हो, उनके सामने अच्छे तरीके से ओपन अप करके बात कर लेनी. देन यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. वट आर दोज वर्ड्स? लाइक बींग थैंकफुल, बींग हम्बल, being loving, being caring, they all are the deposits. Or withdrawal kya hai? You assume about them, you lie to them and you cover up. Jhoot waise hi pakda jata hai aur fir aapne aise har waqt usko cover up kiya. Ye itna bada withdrawal hota hai in any relationship. When you wait for people to tell you what you should be doing for them, like you know, your father walks in and you offer him water or give him a smile, like you visit your grandparents or they visit you, तो आप उनके पास बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें. सो इट इमीडिएटली लाइक यू फील दैट कनेक्शन. और अगर आप नहीं करते तो वो आपका कनेक्शन लूज हो जाता है. फिर इसी तरह से उनके बारे में आपको छोटी छोटी चीजें ही ना पता हो तो विड्रॉल हो जाता है. आप किसी रिलेशनशिप में क्लोज ऑफ हो जाएं, यू नो समटाइम जब हमें गुस्सा आया हम किसी को कह देते हैं गेट आउट, गेट लॉस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये विड्रॉल हो जाता है. और अंदर से हमारा दिल कह रहा होता है कि दे शुड टॉक टू अस, दे शुड अंडरस्टैंड अस. सो इफ यू वॉन्ट समवन टू अंडरस्टैंड, देन ऑल यू हैव टू डू इज देन यू नो बिल्ड दैट कनेक्शन, बिल्ड दैट अबंडेंट मेंटेलिटी, ताकि हम बातचीत कर सकें एक दूसरे से. देन अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अब देखिए कितनी दफा यंगस्टर्स बोलते हैं आई हेट यू, आई कांट स्टैंड यू, यू आर द वर्स्ट ब्रदर सिस्टर, और इवन पेरेंट्स को भी कह देते हैं द वर्स्ट पेरेंट आई हैव एवर कम अक्रॉस. और फ्रेंड्स को भी हम ऐसी बातें कह देते हैं, किसी के बारे में दिल में सोच लेते हैं, किसी से अच्छी तरह बात नहीं करते हैं. हमें हर वक्त ये देखते रहना चाहिए कि हम जिस भी रिलेशनशिप में हों कि वहां पे हम डिपॉजिट्स जो हैं वो कितने कर रहे हैं. और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ओन करना होगा. व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखना होगा कि हु इज इन माई फैमिली. कौन, सबसे पहले फैमिली से हम रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं ना. तो रमजान में स्पेशली आप देखें कि हमें फैमिली टाइम बहुत मिल जाता है.
हम नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, हम सहरी इफ्तारी इकट्ठी कर रहे हैं। आम दिनों में आप देखेंगे इस तरह से हो जाता है कि वी हार्डली गेट टू मीट फैमिलीज, कोई किसी टाइम पे खाना खा रहा है, कोई किसी टाइम पे आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की क्लास है, किसी का कुछ है, लेकिन रमजान इज लाइक सहरी के टाइम पे वी आर टुगेदर, इफ्तार के टाइम पे वी आर टुगेदर, तरावी पढ़ रहे हैं, फिर बीच में हम शेयरिंग कर रहे हैं, फिर कुछ प्लान्स बना रहे हैं। जरूर चेकलिस्ट बनाएं कि हु इज इन योर फैमिली, देन हमारी फैमिली की अपनी चॉइसेस क्या हैं, हमारी फैमिली की वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड देन वी लुक इनटू आवर एटीट्यूड्स, माय रिएक्शंस टू माय फैमिलीज एक्शंस, व्हाट आर माय चॉइसेस। सो व्हाट इज इन नॉट इन योर कंट्रोल इज हु इज इन योर फैमिली। यू नो यू माइट हेट समवन बट इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। या जो चॉइसेस आपकी फैमिली अपने लिए लेती है, ओवरऑल फैमिली के लिए लेती है, या हर फैमिली की कोई वीकनेस भी होती है, तो दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। Like I know this young girl, she is having a very hard time developing relationship with her father because of multiple challenges. वो कहती है कि मेरे father मेरे पास आके बैठते हैं but I don't want to talk to him. I told her कि देखो you need to work on that relationship because what he has done or what are his challenges. So उसकी वजह से आप अपना relationship नहीं खराब कर सकते। उससे क्या होगा कि वही बात है कि हम तो अल्लाह को answerable है ना। चॉइस क्या है हमारे पास, क्या चीज है जो कि मेरे कंट्रोल में है। ओके, वन इज सर्कल ऑफ नो कंट्रोल एंड वन इज सर्कल ऑफ कंट्रोल। सो व्हाट इज इन माय कंट्रोल, माय एटीट्यूड, माय रिएक्शंस टू माय फैमिलीज एक्शंस एंड माय चॉइसेस, व्हाट चॉइस डू आई मेक। तो जितना ज्यादा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलेशनशिप्स में ओन करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा वी आर एबल टू इंटरैक्ट इन अ हेल्दी मैनर। और इसलिए नहीं हमने ये करना होता कि वी वॉन्ट टू गिव आउट हैप्पीनेस टू देम। रिमेंबर मैंने आपसे थ्रू आउट ये बात की है, वी हैव टू ब्रिंग रिलेशनशिप्स टू विन विन। और जितना ज्यादा हम करेज और कंसिडरेशन के राइट बैलेंस के साथ ये काम करते हैं, हमें फायदा होता है। एंड रमजान इज अप्रोचिंग, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि वन ऑफ द टारगेट्स दैट वी कैन सेट फॉर आवर सेल्फ इन रमजान इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। सबसे पहले वही बात है, अल्लाह ताला से हम अपना रिलेशनशिप अच्छा करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम अपने लिए कोई स्टेडी टारगेट रखेंगे इन द रिलीजन, तो फिर हम अपने रिलेशनशिप्स को भी हर लेवल पे जो है वो बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे। फोकस ऑन रमजान, फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुबहान ताला, फोकस ऑन ऑल योर चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। सो विद ऑल दुआस, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।